Hello students, welcome to all of you once again in this amazing session of biology. Basically, as you know very well कि हम लोग ने life process ये particular chapter start किया था from 10th standard biology और बहुत सारे topics हम लोग already देख चुके हैं. So today's our topic of discussion is respiration concept. Basically, हम लोग digestion पूरा कर पाए हैं, कर चुके हैं successfully. So respiration concept मतलब कि respiration होता क्या है, आज हम लोग उसको समझने वाले हैं. Respiration के types क्या होते हैं, aerobic, anaerobic क्या होता है, कैसे होता है, we'll go with that. And the last one is respiration in plant क्या होता है, वो आज हम लोग समझने वाले हैं. So देख लेते हैं कि what is actually respiration और respiration में होता क्या है, right? So let's have a look respiration concept. Let's say मैंने किसी बच्चे को खड़ा किया और पूछा कि बेटा बता कि respiration क्या होता है, तो कोई भी इजीली खड़ा होकर बता देगा सर रेस्पिरेशन मींस ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेना, CO2 को बॉडी से बाहर निकालना, मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करना, क्या वही होता है? नो, दिस इज नॉट प्रॉपरली रेस्पिरेशन, दैट्स ओनली द स्मॉल पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, वी आर कॉलिंग इट एज अ ब्रीदिंग, दैट्स अ ब्रीदिंग, सही है, उसको हम लोग ब्रीदिंग बोल सकते हैं. तो ब्रीदिंग में होता क्या है, O2 का इनलेट होता है, O2 का क्या रहेगा, बॉडी के अंदर इनलेट होता है और CO2 का बॉडी से आउटलेट होता है, मतलब के यहां पे हो रहा है इंस्पिरेशन, O2 को अंदर लिया लाइक दिस और यहां पे होता है एक्सपिरेशन, CO2 को बाहर निकाला लाइक दिस, है ना. सो वी आर कॉलिंग दिस एज अ ब्रीथिंग ओनली, दिस इज ओनली O2 इंटेक एंड CO2 आउटलेट, सही है, क्लियर. सो दिस इज ओनली द स्मॉल पार्ट ऑफ योर रेस्पिरेशन, ये पूरा रेस्पिरेशन कभी भी नहीं हो सकता. लेट्स से तो मैंने बच्चों को बता दिया और बच्चों को फिर से मैंने पूछा कि यार बताओ कि अभी रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीथिंग तो उसका छोटा सा पार्ट है लेकिन टोटल ओवरऑल रेस्पिरेशन क्या होता है. तो किसी ने उठ के बताया कि सर रेस्पिरेशन बेसिकली होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस. आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा कि जब मैंने O2 को इनलेट किया तो O2 चला गया मेरे एल्वियोलाई में, दिस इज एल्वियोलाई ऑफ योर लंग, है ना. सो O2 चला गया एल्वियोलाई में, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 एल्वियोलाई में सबसे ज्यादा है, मतलब विद कंपेयर टू अदर गैसेस, है ना. और दिस इज ब्लड कैपिलरी. तो भाई ब्लड कैपिलरी के अंदर किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहां पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन यहां पे ज्यादा है और यहां पे किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, O2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, राइट. सो बेसिकली आप लोगों को डिफ्यूजन प्रोसेस पता है क्या होता है, दैट्स अ मूवमेंट ऑफ एनी मैटर, आइदर इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये आप लोग जानते हो, जिसमें ऑस्मोसिस भी आता है जो हम लोग वाटर के लिए यूज करते हैं, राइट. सो यहां पे भी वही फंड यूज हो रहा है, सिस O2 विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरी में जाएगा, एंड CO2 विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इस तरीके से हो जाएगा, सही है. सो दिस इज बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वियोलाई लेवल पे भी होता है और ये टिश्यू लेवल पे भी होता है, ओके. तो किसी ने बता दिया कि सर एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो रहेगा दैट इज योर रेस्पिरेशन. मैंने बताया हां दैट इज ओनली अनदर स्मॉल पार्ट ऑफ योर रेस्पिरेशन, सही है. ब्रीदिंग एक पार्ट हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस दूसरा पार्ट हो गया. तो फिर बहुत बच्चों ने बहुत सारा ट्राई किया, सोचा क्या हो सकता है, फिर फाइनली मैंने बता दिया कि बच्चे लोग ये दोनों पार्ट के इंक्लूडिंग और एक तीसरा पार्ट होता है, वी आर कॉलिंग दैट पार्ट एज अ सेलुलर ऑक्सीडेशन, दैट्स अ सेलुलर ऑक्सीडेशन, सही है. ये आप लोगों को आई थिंक समझ में आ रहा होगा या फिर कुछ लोगों को पता भी होगा. वी आर ऑल्सो कॉलिंग इट एज अ सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं. इसमें बेसिकली होता क्या है, मैं बहुत ही सिंपली आपको बताने का ट्राई करूंगा. लेट्स से कि दिस इज सेल ऑफ योर बॉडी, दिस इज यूकैरियोटिक सेल, बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं बिकॉज हम लोग ह्यूमन की बात कर रहे हैं, सही है ना. सो ये सेल के अंदर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे ग्लूकोज होता है, क्या होता है यहाँ पे ग्लूकोज रहेगा, क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं डाइजेशन में, आप लोगों ने सीखा कि हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें से फाइनली आफ्टर डाइजेशन क्या बनेगा, ग्लूकोज, उसका एब्सॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा और सेल के अंदर क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा. तो अगर सेल के अंदर ग्लूकोज है अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन, अभी ऑक्सीजन किसने दिया, तो भाई ये ऑक्सीजन यहां पे आपको पता चल गया प्यूरिफिकेशन ऑफ गैसेस, मतलब कि ब्लड हो गया, है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड हुआ और ये ब्लड आगे चलकर कहां चला गया, हमारे बॉडी के हर एक सेल के अंदर चला गया थ्रू योर हार्ट, सही है. तो इतना समझ में आ रहा है कि हमारे सेल के अंदर दो चीजें, ग्लूकोज भी और ऑक्सीजन भी है. तो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स क्या होता है कि ये ऑक्सीजन ये जो है ग्लूकोज का क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा पूरी तरीके से, क्या कर देगा,
ऑक्सीडेशन कर देगा। इसमें देखो बहुत सारी अलग अलग प्रोसेस होती है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस जो आपके सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, क्रैब साइकिल जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, अगर मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं, है ना, तो बहुत सारी इसमें अलग अलग रिएक्शंस है, साइकिल्स अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको शॉर्ट एंड स्वीटली समझने का ट्राई कर रहे हैं कि सेलुलर ऑक्सीडेशन होता क्या है। लेट्स से तो ऑक्सीजन ने ऑक्सीडेशन कर दिया किसका, ग्लूकोज का। अब जैसे ही ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया, ग्लूकोज को तोड़ा, तो ग्लूकोज विल रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ योर एटीपी, और सब लोग एटीपी को जानते हैं, दिस इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ योर बॉडी, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल जो हमारे सेल के अंदर क्या जनरेट करने वाला है, एनर्जी जनरेट करने वाला है, और ये एनर्जी हमें यूजफुल है अलग अलग वर्क डन करने के लिए, फंक्शन करने के लिए। ओके, तो बेसिकली सेलुलर ऑक्सीडेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो हमारे सेल या टिश्यू के अंदर होती है, और जहां पे क्या बनता है, एनर्जी जनरेट होती है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल लाइक योर एटीपी, दैट्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, अगर मैं तीनों को आपस में मिला दूं, किसको ब्रीथिंग को, ओके, फर्स्ट वी कैन गो विद ब्रीथिंग को मिला दूं, सेकंड आई कैन गो विद एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड थर्ड आई कैन गो विद सेलुलर ऑक्सीडेशन। अगर मैं तीनों को मिला दूं, तीनों का मैं अगर प्लस कर दूं, सो ये एक टोटल ओवरऑल परफेक्ट डेफिनेशन बन जाएगी आपकी रेस्पिरेशन की। क्लियर विद दिस? सो दिस इज होल एंड सोल अबाउट योर कंसेप्ट ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट चलेंगे कि रेस्पिरेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं, राइट? सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। आप लोगों ने डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे पढ़ा होगा कि रेस्पिरेशन के टाइप्स क्या है, कैसे है, कितने होते हैं, ठीक है? तो इसको हम लोग अच्छी तरीके से समझने का ट्राई करेंगे। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूंगा, नहीं तो आप लोगों को प्रॉपरली दिखेगा नहीं, ठीक है? So as you know, glucose molecule is there, C6H12O6, जैसे मैंने बताया कि हमारे सेल के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ओके? और वो ग्लूकोज कहां पे रहेगा, अपने सेल के साइटोप्लाज्म में रहने वाला है। क्लियर विद दिस? सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज आ चुका है, ओके? अगर समझ लो अभी मेरी बॉडी स्टेबल कंडीशन में, मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है, मैं ज्यादा वर्कडन नहीं कर रहा हूं, ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहा हूं, तो अब मेरी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें मेरी बॉडी में ऑक्सीजन का यूज होने वाला है, राइट? ऑक्सीजन का यूज होने वाला है, और वो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। सो यहां पे देखो, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ये केस में देखें, तो यहां पे देखो, मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये एक्टिविटी होने वाली है। पहले क्या होगा, दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल गेट कन्वर्ट टू 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, दैट इज पाइरुवेट और पाइरुविक एसिड, ओके? ये पूरी प्रोसेस होती है, दिस इज कॉमन रिएक्शन, दिस इज कॉमन पाथवे जो आपके सेल के साइटोप्लाज्म में होने वाला है, ठीक है? लेट से कि आपका ये सेल है, तो सेल के साइटोप्लाज्म, ये मैंने अगर माइटोकॉन्ड्रिया समझ लिया, तो सेल का जो साइटोप्लाज्म पार्ट होता है ना, तो यहां पर क्या बनने वाला है, ग्लूकोज से पाइरुवेट बनने वाला है, राइट? ये कॉमन पाथवे है, एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, दोनों में होने वाली है, सही है? अब ये पाथवे के बाद कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां पे जनरेट होने वाली है, डेफिनेटली कुछ एनर्जी तो मिलेगी यहां पे, ठीक है? जब पाइरुवेट मॉलिक्यूल बन गया, उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कितनी है मेरी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, वो डिसाइड करेगा कि आइदर एरोबिक रेस्पिरेशन करना है या एनारोबिक रेस्पिरेशन करना है। लेट से कि मेरी बॉडी में, अभी मैंने बताया ना, रेस्ट कंडीशन में हूं, तो मेरी बॉडी में सफिशियंट ऑक्सीजन अवेलेबल है, इट मीन्स मेरी बॉडी का अगर परफॉर्म करेगी अभी एरोबिक रेस्पिरेशन करेगी, कहां पे करेगी, तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया में वो प्रोसेस होने वाली है। तो जब मेरी बॉडी एरोबिक रेस्पिरेशन करेगी, तो ऑक्सीजन वहां पे यूज होगा, और वहां पे क्या बनेगा, CO2 बनेगा, H2O बनेगा, और कुछ अमाउंट में एनर्जी मिलेगी, ओके? यहां पे जो एनर्जी मिलती है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलने वाली है, याद रखना। एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर मैं बोलूं ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का अगर ऑक्सीडेशन होता है, तो इट विल गिव्स अराउंड 36 to 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी यहां पे अपने को मिलने वाली है इन द केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, जब ऑक्सीजन अवेलेबल है। लेट से मैं अगर जॉगिंग करने लगा अचानक से, है ना, मैं अचानक से जॉगिंग करने लगा, जिम करने लगा, है ना, हैवी एक्सरसाइज करने लगा, तो क्या होगा? अब ये टाइम पे आप लोगों को पता है कि मेरी बॉडी में हार्ट बीट बढ़ जाएगा, मेरी बॉडी में स्वेटिंग होगी, है ना, मेरा ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा, बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटी बॉडी में आप लोग देख सकते हो ये पर्टिकुलर प्रोसेस के टाइम पे, जब मैं जॉगिंग कर रहा हूं अचानक से, तो वो टाइम पे मेरी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन, है ना, मतलब के एरोबिक रेस्पिरेशन में जितना ऑक्सीजन चाहिए था उससे कम मिल रहा है अभी, तो एट दैट टाइम बॉडी स्टार्ट्स टू परफॉर्म व्हाट, अनदर टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, वी आर कॉलिंग इट एन एरोबिक रेस्पिरेशन, जो होता है
इन लैक ऑफ ऑक्सीजन जो मसल सेल्स में, बेसिकली जब मैं दौड़ूंगा तो मेरे मसल सेल्स को एनर्जी चाहिए ना, स्केलेटल मसल को एनर्जी चाहिए, तो मसल सेल के अंदर इन लैक ऑफ ऑक्सीजन जो एक्टिविटी होगी दैट इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन, और यहां पे क्या होगा, 3 कार्बन कंटेनिंग लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगा, और यहां पे कुछ अमाउंट में, कुछ थोड़े से अमाउंट में एनर्जी अपने को मिल जाएगी, सही है। देखो लैक्टिक एसिड जब बनेगा ना तो मसल क्रैम्प होता है, मसल फैटिग होता है, पेन होता है मसल में। अगर कोई लेट्स से कि कोई बंदा जिम कर रहा है, जिमिंग कर रहा है, जिम जा रहा है ना, तो पहले कुछ दिनों तक है ना, 4 दिन 5 दिन 1 वीक 2 वीक तो उसके मसल बहुत पेन करते हैं, है ना, हम लोग सही से उसको कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं कर पाते हैं। तो ये पेन क्यों होता है, कभी आप लोगों ने सोचने का ट्राई किया? ये पेन होता है बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। आपके स्केलेटन मसल पे लैक्टिक एसिड बन के जम चुका है और वहां पे वो पेन क्रिएट कर रहा है ना। सो इन लैक ऑफ ऑक्सीजन जो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन रहेगा दैट विल बी एन एरोबिक रेस्पिरेशन, सही है, जो हमारी बॉडी के अंदर होता है और बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में भी होता है। थर्ड टाइप वी कैन गो विथ कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा टाइप होता है, दैट इज लेट्स से कि बैक्टीरिया की बात करें तो कुछ बैक्टीरिया एनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, या फिर ईस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल। यहां पे आप लोग देख सकते हो कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, 0% ऑक्सीजन है, तो वो टाइम पे कुछ बैक्टीरिया फिर ईस्ट लाइक फंगस क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू परफॉर्म द प्रोसेस absence of oxygen, this particular in absence of oxygen the yeast is a type of, it's the based non fungus, है ना, fungus based non yeast है जो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, जिसका बेकरी में बेकर प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है, या फिर यू कैन कॉल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में alcoholic beverages बनाने के लिए उसका ट्राई या फिर यूज किया जाता है, ठीक है। तो yeast का यूज क्यों किया जाता है, बिकॉज yeast परफॉर्म करता है आपका anaerobic respiration का दूसरा टाइप, पहला टाइप इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा टाइप एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके। तो जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा तो यहां पे इथेनॉल बनता है, इथेनॉल इज अ टाइप ऑफ वेल नोन अल्कोहल, 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल बनेगा, CO2 बनेगा, और कुछ कम अमाउंट में एनर्जी यहां पे भी जनरेट होने वाली है, राइट। तो आप लोग अच्छी तरीके से ये पर्टिकुलर जो रिएक्शंस उसको देख सकते हो, समझ सकते हो, है ना। सो दीज आर दी 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ योर रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन जब प्रॉपर सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस करने के लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के 2 टाइप होते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड बनेगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल बनेगा। क्लियर विद दिस, ओके। तो ये आप लोग अच्छी तरीके से यहां पर देख के एनालाइज कर सकते हो, इसके नोट्स बना सकते हो, क्लियर। आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या होता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ओके। बेसिकली ये डायग्राम आपको दिख रही होगी अच्छी तरीके से, ओके। सो यहां पे मैं ऑक्सीजन लिख देता हूं, जस्ट अ मिनट, थोड़ा व्हाइट कलर लेना पड़ेगा। सो दिस इज O2 ऑक्सीजन एंड दिस इज CO2, है ना। अब कुछ कोई सोचेगा कि सर यहां तो ग्लूकोज बन रहा है, तो यहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो यहां पर तो CO2 इनलेट होना चाहिए ना, ऐसा नहीं है बेटा। देखो यहां पे ग्लूकोज बन रहा है, लेकिन ग्लूकोज क्या क्रिएट कर रहा है, यहां पे ATP बना रहा है, ठीक है ना, ATP क्रिएट कर रहा है। इट मींस कि यहां पे क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रही है, क्लियर। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, बहुत ही अच्छी और बड़ी चीज है कि हमारी प्लांट बॉडी जो होती है उसके मैक्सिमम पार्ट, या फिर ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर प्लांट बॉडी टेक पार्ट इन योर रेस्पिरेशन प्रोसेस। मतलब आप लोग समझोगे कि सर आपने बताया था कि स्टोमेटल ओपनिंग होता है, और स्टोमेटल ओपनिंग में से क्या होता है, दिस इज स्टोमेटा, है ना। स्टोमेटल ओपनिंग में से क्या होता है, यहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। लेट से यहां से O2 चला गया और यहां से CO2 बाहर निकल गया, तो सिर्फ स्टोमेटे में से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, ऐसा नहीं है, है ना। हमारे स्टेम में, हमारे रूट्स में बेसिकली बहुत कम, लेकिन स्टेम में कुछ छोटे छोटे पोर्स लगे होते हैं, वी आर कॉलिंग लेंटी सेल्स, और ये लेंटी सेल्स जो होते हैं, माइन्यूट पोर्स जो होते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, ये पर्टिकुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस करने के लिए, राइट। अब हमारी प्लांट बॉडी में भी क्या होगा, हमारी प्लांट बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, यहां पे सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। इट मींस के प्लांट बॉडी के एक छोटा सा सेल अगर मिलूं, तो यहां पे अगर मैं सेल को बड़ा करके दिखाऊं, तो ये सेल में क्या होगा, ये सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। मतलब फोटोसिंथेसिस से जो ग्लूकोज बनता है, प्लस ऑक्सीजन जो प्लांट बॉडी में है, तो ऑक्सीजन इसका ऑक्सीडेशन कर देगा और ग्लूकोज क्या करेगा, ATP यहां पे बना देगा, ठीक है। सो हमारे प्लांट बॉडी में, बड़े से बड़े प्लांट में क्या होगा, यहां पे ATP सिंथेसिस इजीली हो जाएगा। इजीली क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्लांट बॉडी का ऑलमोस्ट ईच सेल टेक्स पार्ट इन योर रेस्पिरेशन प्रोसेस, है ना। हर जगह से यहां पे कहीं ना कहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने वाले हैं, और हर जगह पे, हर एक सेल में
क्योंकि इनको क्या होने वाला है, रेस्पिरेशन होने वाला है। इसलिए एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन आता है कि वाई रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज हायर इन एनिमल्स विथ कंपेयर टू प्लांट। ये क्वेश्चन है, व्हाई द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज हायर इन एनिमल्स विथ कंपेयर टू प्लांट, ऐसा क्यों? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत ही सिंपल इसका आंसर है। क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचोगे तो जितने भी अलग अलग एनिमल्स है उसमें एक पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है और उतने ही रेस्पिरेटरी सिस्टम यू कैन कॉल रोल प्ले करता है रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन अगर प्लांट की बात करें तो पूरा का पूरा प्लांट बॉडी ऑलमोस्ट 90% प्लांट के जो पार्ट्स है वो रेस्पिरेशन में अपना पार्टिसिपेशन दिखा रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो अपने को ऑक्सीजन मिल रहा है, एक पर्टिकुलर छोटे से ऑर्गन से हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो यहां पे अपने को ब्रीथिंग रेट बढ़ाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग ऑर नॉट? ब्रीथिंग रेट जब बढ़ेगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बढ़ेगा, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस बढ़ेगा तो सेलुलर रेस्पिरेशन भी बढ़ेगा। तो तीनों चीज, तीनों पॉइंट कौन सी, ब्रीथिंग ऑफ गैसेस, गैसेस एक्सचेंज एंड सेलुलर ऑक्सीडेशन, तीनों पार्ट हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में बढ़ने वाले हैं। क्योंकि अगर मैं पूरी बॉडी की मेरी बात करूं तो मेरे नॉस्ट्रल में से इसी में ऑक्सीजन को इन कर रहा हूं, लेकिन प्लांट में, पूरी की पूरी प्लांट बॉडी में छोटे छोटे लेंटिसेल्स या स्टोमेटल ओपनिंग में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन उसको मिल रहा है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस वहां पर हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली प्लांट बॉडी में रेट ऑफ रेस्पिरेशन बहुत ही लो होता है विद कंपेयर टू एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स में एक प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है और प्लांट में ऐसे कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक पॉइंट, एक पार्ट हो गया। दूसरा एक पॉइंट आता है, मैं थोड़ा अच्छे से आप लोगों को दिखाने का ट्राई करूंगा। दूसरा एक कंसेप्ट आता है, एंड दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट इज के मैं अगर एक्वेटिक एनिमल्स की बात करूं, सिर्फ मैं एनिमल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, अभी एक्वेटिक एनिमल्स की बात करूं और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करूं, समझना ध्यान से, मैं अगर एक्वेटिक एनिमल्स मतलब के फिशेस वगैरह की बात करूं और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मतलब के कोई भी हमारी बात करें ह्यूमन की, तो दोनों में से, ये दोनों में से रेट ऑफ रेस्पिरेशन किस में ज्यादा होगा, दिमाग लगाओ थोड़ा। रेट ऑफ रेस्पिरेशन एक्वियस में ज्यादा होगा या टेरेस्ट्रियल में ज्यादा होगा, ये आपके एनसीईआरटी में कंसेप्ट दिया हुआ है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाता है ओलंपियाड लेवल, एनसीईआरटी लेवल, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सो यहां पे अगर आप देखो तो एक्वियस एनिमल और टेरेस्ट्रियल एनिमल में दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर एक्वियस की बात करें तो एक्वियस एनिमल जो ऑक्सीजन लेते हैं वो डिजॉल्व फॉर्म में लेते हैं, डिजॉल्व फॉर्म में जो ऑक्सीजन होता है वो लेते हैं, और हम लोग जो लेते हैं वो ऑक्सीजन डायरेक्टली लेते हैं फ्रॉम द एयर, है ना। तो कहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा मिला आप लोगों को, ध्यान से समझो, डिजॉल्व पानी में डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है क्या वो कंसंट्रेशन ज़्यादा है या फिर एयर के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है? डेफिनेटली एयर के अंदर जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, सही है, एयर के अंदर कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है, और डिजोल्व ऑक्सीजन मतलब डिजोल्व फॉर्म में जो ऑक्सीजन रहेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन यहां पे कम रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट यू कैन मेक इजी लॉजिक कि एक्वियस एनिमल में रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो रहेगा वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और यहां पर क्या रहेगा, लो रहेगा, यहां पर क्या रहेगा, हाई रहेगा, ठीक है। इसको समझना बहुत अच्छी तरीके से, मैंने क्या बताया, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूंगा, ठीक है। मैंने क्या बताया कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन एक्वियस एनिमल्स लाइक फिशेस के अंदर ज्यादा होता है विद कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, क्योंकि एक्वियस में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो डिजॉल्व फॉर्म में होता है, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम रहेगा, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी उनको गिल्स से क्या करना पड़ेगा, रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारी बात करें तो यहां पर टेरेस्ट्रियल एनिमल में ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं फ्रॉम दी एयर डायरेक्टली, और एयर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, हम लोग इजीली उसको ले सकते हैं, तो यहां पर रेट ऑफ रेस्पिरेशन विद कंपेयर टू एक्वियस एनिमल कम रहेगा, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे रेस्पिरेशन कर सकते हैं लेकिन यहां पे रेट इनका एक्वियस एनिमल्स का ज्यादा रहेगा डेफिनेटली। ओके, सो दिस इज समवॉट यू कैन कॉल कंसेप्ट ऑफ योर रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन क्या होता है वो हमने आज सीखा, समझा। रेस्पिरेशन के टाइप्स कौन कौन से वो हमने देखे, वो हमने समझे, और एट लास्ट हमने समझा कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कैसे होता है या फिर क्या होता है, थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को आ गया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। बेसिकली व्हाट वी से कि हमारे बुजुर्ग या फिर हमारे जो बड़े घर के वो क्या बोलते हैं कि रात को पेड़ के पास या पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ये आप लोग सब एग्री करते हो, राइट। इसका रीजन ऐसा है कि रात को
प्लांट्स जो है वो CO2 को बाहर निकालते हैं और O2 को इन करते हैं। ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, सही है, समझना ध्यान से। रात को क्या कर रहे हैं प्लांट्स, रात को प्लांट्स क्या कर रहे हैं, O2 को लेते हैं फॉर रेस्पिरेशन और CO2 को बाहर निकालते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ, एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। इट मीन्स कि हम लोग अगर पेड़ के नीचे सोए तो अपने को ऑक्सीजन कम मिलेगा, तो हम लोग ब्रीथिंग में इस प्रॉब्लम आ सकता है, हम लोग मर सकते हैं। इसके लिए बुजुर्ग ने कुछ अलग अलग कहानियां बना दी है, ठीक है। बट मैंने ये सुना है, मैंने ये पढ़ा है कि रात को ये जो स्टोमेटा होता है ना, ये स्टोमेटा हो जाए वो क्या होता है, क्लोज होते हैं। रात को एट नाइट ये स्टोमेटा क्या रहते हैं, क्लोज होते हैं, और मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टोमेटा से होता है। तो कैसे वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, कैसे प्लांट रात को O2 लेगा CO2 निकालेगा, बिकॉज यहां पे स्टोमेटा तो बंद है, स्टोमेटा क्लोज है, लेंटिसेल्स की इतनी ज्यादा पावर नहीं होती कि वो कर पाए। तो ऐसी कौन सी प्रोसेस है, ऐसे कौन सा मैकेनिज्म है जिससे प्लांट रात को O2 लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। ये आपका होमवर्क है और ये आपका यू कैन कॉल एक ओलंपियाड टाइप क्वेश्चन है जो आप लोग को क्रैक करना है, सॉल्व करना है, क्लियर। सो आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। हमने बहुत ही क्लियर कट समझने का ट्राई किया, मैंने भी समझाने का ट्राई किया, आपने भी समझने का ट्राई किया। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी एंड लिसनिंग टू मी। अगले लेक्चर में मैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स लेके आऊंगा, बेसिकली इन ह्यूमन, है ना। तो ह्यूमन रेस्पिरेशन क्या है, उसके हर एक पार्ट्स को देखेंगे, मैकेनिज्म क्या है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, थोड़ा अच्छे से उसको समझने का ट्राई करने वाला है, राइट। सो बी हैप्पी, बी हेल्दी ऑलवेज। थैंक यू सो मच।